एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कनक फैमिली व्लॉग। तो यहाँ पे आइए, देखो मीठी भाजी, तो मैं इसे कट कर रही हूँ और यहाँ एक शिमला मिर्च रखा हुआ है, एक भट्टा है और मैंने यहाँ ले ली हूँ आलू और दो टमाटर, एक प्याज मिर्ची, और मैं इन सबको मिक्स बनाऊंगी क्योंकि। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं सब्जी कट कर ले रही हूँ, भाजी को इस तरीके से तोड़ ली थी और यहाँ मैं फटाफट सारी सब्जी कट कर लूँगी। सब्जी बनाने से ज़्यादा टाइम ना सब्जी कट करने में लगता है, और भाजी तो भैया खाने में जितनी अच्छी लगती है, साफ करने में उतना ही झंझट रहती है, टेंशन रहती है। और मैं रात में नहीं कर पाई थी, दिन में ये कर रही हूँ तो मुझे तो और ज़्यादा परेशानी हो गई थी, लेट हो गई थी मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कनक फैमिली व्लॉग। तो अभी सुबह के आज ना 9 बजने में 7 मिनट कम है, आज मेरे को ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने थोड़ा आलसी कर ली, थोड़ी सो गई थी। तो अभी नहा धो के जस्ट आई हूँ मैं और पूजा करी हूँ और थोड़ा सा सब्जी कट करने के लिए सब्जियाँ निकाली हूँ। तो चलते हैं किचन में और खाना बनाते हैं और उसके बाद हम तैयार होंगे क्योंकि लेट काफ़ी हो गया, आधा घंटे में मुझे खाना बनाना है। देखते हैं क्या क्या बनता है। सब्जी चावल कढ़ी बनाना है मुझे, मेथी की भाजी बनाना है और कढ़ी दाल और चावल और रोटी, देखते हैं क्या क्या बन पाता है आधे घंटे में। तो फ्रेंड्स, आधे घंटे में हमारा सिर्फ खाना बना, सब्जी चावल दाल और कढ़ी रोटी नहीं बन पाई। और खनक ने भी बोल दी कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, कढ़ी चावल खा लूंगी, तो मैंने आटा मल के रख दी हूँ, लेकिन हमने खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कली चावल खा रही खनक, और हम सब कुछ खा रहे हैं इधर, उसके पापा भी सब कुछ खा रहे हैं और ये रखा हुआ है हमारा पूरा खाना। डाल दे, डाल दे, अरे मैं दे रही हूँ ना, देख 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 जरा ये देखो, ये चावल पे ले लो, चावल पे ले लो, या लेट लाओ, ये इस पे ले, इस पे ले, ये कटोरी प्लेट में ले लो, तो मैं दूसरा ढक दूंगी ना लाके, हो गया। ये देखो, ये छोटी भाई अपना खाना खुद से ले रही है, देखो दीदी इधर अपनी शक्ल दिखाना जरा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ रेडी हो चुके हैं और यहाँ देखिए खनक भी हमारे साथ जा रही है, तो हमने इसके लिए टिफिन रख लिया है। टिफिन में है नमकीन और बिस्किट, यहाँ रखेंगे, और बॉटल में पानी रख लिए हैं। सर फ्रेंड्स, आपको तो पता है हम मम्मा तो पानी नहीं ले जाएंगे, क्या हम लोग क्यों ले जाएंगे, ले जाएंगे पानी, तो ये उबला हुआ पानी है, वहाँ ठंडा मिलता है इसलिए ले जाते हैं हम। चलो, और अभी मेरे कपड़े सुखाने के, चलो खनक जल्दी से, कपड़े मैंने धुल के रखी थी तो सुखा देती हूँ उनको। छत तो भर चुकी है, देख चुकी नहीं, फिर भी है जगह अभी। तो ये छोटी सी क्लिप खनक ने शूट की थी, तो थोड़ा सा बस था, बाकी इसने सब खराब कर दी थी वीडियो। मंदिर में चल रही है पूजा, यहाँ पे बड़ी पूजा, बहुत कम लोग हैं और हम लोग अभी खाना खाने जा रहे हैं घर, नहीं जाएंगे अब, थक गए हम तो धूप से। यहाँ आते बड़ी शांति मिलती क्योंकि यहाँ पे ना घर एकदम पास पास में, तो एकदम यहाँ छाँव रहती है, देखिए काफ़ी दूर तक वो वहाँ तक है अभी छाँव, हम लोग यहाँ से आराम से 2 मिनट का रास्ता क्रॉस कर लेते हैं बड़े अच्छे से। और ये आज 2 बार गिर चुकी है, इसको 2 बार लग गया है, आज घुटने फोड़ लेती है, कैसी लड़की है ये, आतंग। और आज फ्लावर नहीं है, कलियाँ लगी हुई, फ्लावर नहीं है, वहाँ से तोड़ लेते हैं फ्लावर, फ्लावर दिखता है हमको तो। और कुछ कहना चाहेंगी खनक आप? नो भाई, बहुत धूप है और यहाँ हम ब्लॉगिंग लगे पड़े हैं, दौड़ के घर जाते तो। चलो मिलते हैं घर में। हेलो फ्रेंड्स, तो हम जस्ट अभी घर पहुँचे तो देखिए लाइट चालू करके, तो लाइट नहीं है और अभी 2 बज रहा है, 2:05 हो चुका है और देख सकते हैं ये पूरी लाइट ऑफ है, और गर्मी का टाइम आने लगे यानी लाइट का जाना पक्का ही है। इसको फोन चाहिए, बोलती ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ना करिए, क्या देखेगी, क्या देखेगी, कार्टून नहीं, कार्टून नहीं, हाँ कैसे वीडियो। अच्छा जी, तो फ्रेंड्स कपड़े सूख गए होंगे, तो हम जा रहे हैं छत पे और देखते हैं कपड़ों का क्या हाल है। ओहो, कपड़े आज नहीं गिरे, वाह आज कपड़े गिरे नहीं है, देखिए ये आज कपड़े नहीं गिरे, ज्यादा कपड़े भी नहीं थे, नहीं गिरे हमारे, एक भी कपड़े नहीं गिरे आज, लो तो जल्दी से उठा लो, नहीं उठाओगे, देख सकते हैं हमारे कपड़े बिल्कुल नहीं गिरे हैं, ज्यादा कपड़े नहीं, मैं साड़ी नीचे डाल दी थी, मैंने सोचा ज्यादा, ये खाना की बनियान गिरी, आके उठाओ, हाँ उठा ली, बनियान गिरी थी बस, हाँ वो साड़ी मैंने नीचे डाल दी, मैं धूप में डालू साड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैंने छाव में नीचे डाली हुई थी, उसको उठा ली जाके, अभी ये देखिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं रखते हैं और चलते हैं साड़ी लाने, इससे साड़ी निकल जाएगी, बताओ ऐसे, 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 ऐसे। तो अब इनको फोल्ड भी कर लेते हैं चल के ही।
तो फ्रेंड्स अभी फरमाइश आई है खनक की कि भाई उसे भूख लगी है खाना, तो मैंने सुबह ना रोटियां डाल के नहीं गई थी, तो मैं फटाफट रोटियां डाल देती हूँ और वो दूध के साथ में रोटी खा लेगी। सुबह टाइम हो जाने की वजह से मैंने रोटियां नहीं डाल पाई थी, तो आटा मल के वैसे रख दी थी, तो अच्छा हो गया था। आई तो फटाफट मैंने दो चार रोटियां बना दी खनक के लिए भी, और पूरी बना के रख दी थी, मैंने भी खा ली थी एक दो रोटी, और खनक के लिए भी यहाँ बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने खिड़की पे रखी हूँ मोबाइल, तो किस तरीके से पूरा लाइट आ रहा है मेरे ऊपर, तो थोड़ा अजीब भी लगता है ना, लेकिन क्या करे, जगह ही समझ में नहीं आती कहाँ कैमरा रखे कैसे शूट करे, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ मेरी रोटियाँ बन गई है और कुछ बनने की है। ये देखिए यहाँ पे मैंने शक्कर और रोटियां डाल दी हूँ, और यहाँ डाल रही हूँ मैं दूध, इसको इस तरीके से अच्छे से मिला देंगे। इसको बहुत पसंद है, इस तरीके से ये खाती है। और लाइट ना होने की वजह से ये देखिए ये आ गई, हाथ पैर धुल के, पैर पोछो टॉवल से, वो टॉवल है कुर्सी पर टॉवल है। और ये देखो नमकीन, और ये लेकर आई थी बिस्किट, तो इसने नहीं खाई। तो आज पानी ख़त्म हो गया था, तो यहाँ दोपहर के 3 बजे नल आता है, तो यहाँ टंकी में ऊपर पानी जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो 2 बाल्टियाँ मैं भर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना तो पानी जाने का ऐसा नीचे वो छन्नी लगी हुई है, तो उस पर कुछ अड़ जाता है कि, तो वहाँ पानी रुक जाता है, तो मैं उसी को पैर से हटा रही थी, और यहाँ 2 बाल्टियाँ मैं भर लूँगी। अभी 3 बजे नल आता है यहाँ पे, तो टंकियाँ भरी रहती है, बोर भी है लेकिन नल आता है तो भर लेते हैं ताकि पानी सेव हो जाता है। बोर का ऐसा है कि जब ज़रूरत होगी तब चालू करते हैं, नहीं तो नहीं करते, यहाँ का भर लेते हैं 2 बाल्टी। और हम 2 लोग हैं पीने का, बस पानी भरते हैं बर्तन के लिए, किचन में आता ही है पानी, तो ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। और यहाँ मैं दोपहर में आ गई थी इसलिए आज भर भी ली जल्दी जल्दी पानी, तो सिर्फ 2 ही बाल्टी लेकर जाना होता है, तो ये मैं भर ली हूँ पानी। और मैंने इस तरीके से कैमरा मैनेज की थी, बाल्टी लाकर आधे रास्ते में फिर इधर से कैमरा सेट करी दूसरे साइड पे, तो बहुत इजी लगता है देखने में तो हमें वीडियोस, लेकिन जो बनाता है उसे पता होता है कि कितनी मेहनत होती है वीडियो के पीछे भी, बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। और ट्राईपोड नहीं है तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, ऐसे अगर कोई शूट कर दे या ट्राईपोड रहता है तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पानी गिर गया था, मैंने ला रही थी ना तो पानी गिर गया था, तो फिसलते बहुत है, तो वही मैं पानी साफ़ कर रही थी, पैर उसी की तब भी नहीं हुआ था, फिर मैं यहाँ हाथों से कर रही हूँ पानी साफ। तो फ्रेंड्स यहाँ रखा हुआ है धनिया, तो मेरे सर में ना दर्द हो रहा है, तो मुझे अचानक से ध्यान आया, एक बार एक दीदी ने मुझे बताई थी धनिया ये खड़ा वाला धनिया, इसको निकालूंगी थोड़ा सा मैं, इसमें हमारा किराने का सामान रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने ली हूँ शक्कर और धनिया, और इसे मैं थोड़ा सा मिला के और खाऊंगी, क्योंकि मेरा ना सर दर्द हो रहा है, जो तो मुझे ना माइग्रेन टाइप लग रहा है, तो ऐसे एक बार मेरा बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था, तो मैंने सब प्रकार की दवा खाई थी लेकिन आराम नहीं लगा था, और जब मैंने धनिया और शक्कर खाई थी तो मुझे आराम लग गया था, तो फिर से ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो नाइट से ही मेरा सर थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा था, मुझे लगा ठीक हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ, मेडिसिन भी ली थी तब भी ठीक नहीं हुआ, ये पता नहीं किस तरीके से मेरे सर में दर्द हो जाता, काफ़ी दिन बाद हुआ था। तो एक दीदी ने मुझे बताई थी कि जो धनिया होता है ना खड़ा वाला धनिया, और थोड़ी सी शक्कर खा लो और उसे चबाओ, तो वाकई में बहुत ही आराम मिला था मुझे, काफ़ी टाइम के बाद हुआ था। तो ये बोली इसने देखी तो बोलती मैं भी खाती हूँ, तो इसे मैंने दी तो बोलती हट अच्छा नहीं लग रहा, वैसे धनिया की प्रसाद भी बनती बहुत ही टेस्टी लगती है, तो यहाँ पर मैंने खा ली थी, और इसको जो शक्कर बची थी तो इसको शक्कर दे दी थी मैंने कि चलो ये तुम खा लो करके। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं 7:00 और हम लोग छत पे आए थे घूमने के लिए, उधर कहीं पे बैठे हुए हैं बाप बेटी, यानी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी वहाँ पे बैठे हुए हैं, और मैं आई थी थोड़े से छत में टहलने के लिए क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो हम बहुत देर तक के थोड़ा सा घर में लेटे, हमने कहा चलो बाहर की हवा थोड़ा सा खा के आते हैं, तो हम यहाँ आए थे छत पे, और चाँद तो नहीं दिख रहा है, थोड़े थोड़े सी चाँदनियाँ दिख रही हैं, और देखो चाँदनी दिख रही है, वो देखो ये ये चांदी कितनी प्यारी लग रही। तो इस वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ में। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और खनक नहीं सुन रही, तो खनक अपना वीडियो में लगी हुई है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल न्यू वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए।